गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर लास्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट अवर थर्ड चैप्टर. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर फोर्थ चैप्टर, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, वो सब किस में आती है? मेटल्स में. और नॉन मेटल्स में प्लास्टिक, वुड, वो सब नॉन मेटल्स में आता है. तो हम उसकी सम प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डायरेक्टली उसकी जो क्या कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और मेन जो पॉइंट्स है वही बता दूंगी. आपको एक बार पूरा चैप्टर रीड कर लेना है. यहाँ पे जो एक्टिविटी दिए हुई है वो भी आपको एक बार रीड करनी है. और अगर पॉसिबल होगा तो मैं स्कूल में, अगर हम प्रेजेंट जा सकेंगे तो मैं आपको वहां पे ये एक्सपेरिमेंट करवा के दिखा दूंगी. ओके स्टूडेंट, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, कोल, सिल्वर एक्सेट्रा आर मेटल्स. ये सारी किसमें आती है? मेटल्स में आते हैं. ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑल्सो मेटल्स. ऐसे भी जो हम इसके बारे में, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, इसके बारे में, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के बारे में तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम एंड मैग्नीशियम और कैल्शियम वो सब भी किसमें आती है? मेटल्स में आती है. उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते होंगे, बट वो भी मेटल्स में आती है. आर ऑल्सो मेटल्स कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा. और कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस जैसी भी मेटल्स होती है. आर सॉलिड नॉन मेटल्स, वेयर एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर गैसियस नॉन मेटल्स. ऐसे ही जो कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं वो नॉन मेटल्स है और सारे गैसियस फॉर्म होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो सब नॉन मेटल्स में आते हैं. तो हम यहाँ पे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी. दे कैन बी हैमर्ड इन टू थीन सीड्स. यानी कि हम मेलेबिलिटी किसे कहते हैं? जो भी मेटल्स होती है उसे हम थीन, यानी कि उसे हैमर्ड करते हैं, तो हम उसे पीटते हैं तो वो एक थीन सीट में कन्वर्ट हो जाती है. वो ब्रेक नहीं होती है, ब्रेक डाउन नहीं होती है, वो थीन सीट में कन्वर्ट हो जाती है. उसे कहते हैं मेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. देन सेकेंड वन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. इसलिए ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट का. इसलिए हम हीट के लिए जो मेला बेकेलाइट जैसी जो प्लास्टिक्स होती है उसका यूज करते हैं हैंडल के लिए, या तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए वहां पे हम प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी किसे कहते हैं? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. जो वायर्स में कन्वर्ट होती है, वायर्स होते हैं ना, उसमें कन्वर्ट होती है जो भी मेटल्स, उसे डक्टिलिटी कहते हैं. यानी कि वो ब्रेक डाउन नहीं होती है बट वायर्स होती है. वायर यानी स्ट्रेच, हम जिसे कह सके कि स्ट्रेचेबल, तो उसे जितना भी लंबा करो वो हो सकती है, वो ब्रेक डाउन नहीं होती है. ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी. देन फोर्थ वन, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटिंग. यानी कि हम उसे, मेटल्स को बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है. तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? सोनोरस. यानी कि सोनोरस जो प्रॉपर्टीज है वो ओनली मेटल के अंदर ही दिखाई देती है, वो मेटल के अलावा कोई भी ऐसे मटेरियल्स में नहीं प्रेजेंट नहीं होती. यानी कि कोई भी मटेरियल्स में सोनोरस नहीं होता है, क्योंकि उसमें से आवाज नहीं होती है, ओनली मेटल्स में ही आवाज प्रोड्यूस होती है. इसलिए सोनोरस किसमें आता है? प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की. दे हैव शाइनी सरफेस. यानी कि मेटल्स होती है, ये तो हमने सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, जो मेटल्स होती है वो उसका अपीयरेंस कैसा होता है? लस्टर होता है. यानी कि उसे आप कहीं पे भी कट करते हो तो उसका सरफेस शाइनी ही होगा. नॉन मेटल्स को आपको कट करते हो तो उसका सरफेस शाइनी इतना नहीं होता है जितना मेटल्स का होता है. सिक्स, दे आर हार्ड एक्सपेक्शन सोडियम, पोटेशियम एंड लीड. सोडियम, पोटेशियम एंड लीड के अलावा कोई भी आप
मेटल्स ले लो तो वो सब कैसे कैसे फॉर्म में होगी, हार्ड यानी हार्ड फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। तो सारी नॉन मेटल्स होगी वो कैसी होगी, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट मेलाबिलिटी, देन सेकंड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड डक्टिलिटी, फोर्थ सोनोरस प्रॉपर्टी, देन फिफ्थ लस्टर यानी शाइनी सरफेस, एंड सिक्स्थ हार्डनेस। देन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फर्स्ट नॉन मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल, दे ब्रेक इनटू पीस ऑन हैमरिंग। अगर हम नॉन मेटल को हैमर करते हैं तो वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाती है यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है। सेकंड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और एक्सप्रेशन यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, ये आपको याद रखना है। यानी कि कोई भी ऐसे एक्सेप्शन होते हैं ना, जैसे कि हम मर्क्यूरी होता है तो लिक्विड सॉलिड वो सब में होता है, तो जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन वो क्या है, मेटल से। ऐसे ही ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इंटू थीन वायर्स, और उसे हम जो नॉन मेटल्स होती है उसे थीन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम उसे ना तो उसे हैमरिंग कर सकते हैं ना तो उसे थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर नॉन सोनरस यानी कि उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है इसलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन सोनरस है। फिफ्थ वन, दे आर सॉफ्ट एंड डल, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और डलनेस उसकी जो उसका लस्टर शाइनी सरफेस नहीं होता है, वो डल थोड़े डल होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बारे में आपको डिटेल में टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर लेना है पूरा चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो डिटेल में थोड़ा बहुत दिया हुआ है और एक्टिविटीज भी दी हुई है आपको रीड कर लेनी है। जो एक्टिविटी में पॉसिबल होगा तो स्कूल में एक बार फिर से करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव एक्टिविटी यानी कि आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ आपने सबने फर्स्ट ही पढ़ा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्सियम, मैग्नीशियम, ये सब किसमें आते हैं, मेटल्स में आते हैं। ऐसे ही जो द ब्रेक डाउन इंटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर, दे आर नॉट सोनोरस, यानी कि जो इसके मेटल से ऑपोजिट जो भी प्रॉपर्टीज देखने मिले तो वो मटेरियल्स किसमें आता है, नॉन मेटल्स में। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फरस और एक्सेट्रा, ये सारे किसमें आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, यानी कि जो मेटल्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम जो हमने भी पढ़ा कि वो हार्डनेस नहीं, वो हार्ड नहीं होती तो उसे हम नाइफ के थ्रू कट भी कर सकते हैं। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दिस आर एक्सप्रेशन। और हमने ये भी पढ़ा कि जो मर्क्यूरी होता है वो रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ओनली एक ही यही एक्सप्रेशन है, बाकी सब जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही हमें देखने मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल और नॉन मेटल में कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जो मेटल्स होती है वो तो हम सब आप अच्छी तरह से जानते होंगे बट आपको पता नहीं होगा। जो मेटल्स होती है जैसे कि आयरन होती है वो सब आप उसे बाहर रख दोगे तो वो रस्ट में हो जाती है, रस्ट में हम यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है वो उसके अंदर रस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है क्या आप उसे जानते हो कि वो कैसे होता होगा, क्योंकि वो जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन के जाए यानी कि एटमोसफियर में जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करने के बाद वो रस्ट प्रोड्यूस करती है और रस्ट के
और जो रस्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और नॉन मेटल्स होती है यानी कि आप वुड को आप रख दोगे बाहर तो उसके अंदर जो भी एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन होगा वो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा और उसके अंदर रस्ट यानी कि काट आप बोलते वो नहीं होगा। इसलिए जो मेटल्स के अंदर काट होता है रस्ट होता है और नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होता है। तो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं। और यहाँ पे उसकी सम इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट आयरन यानी कि Fe ऑक्सीजन O2 प्लस वोटर तो क्या होगा, ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो इसका फाइनल हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने उसकी सम जो फॉर्म है उसका प्रोडक्ट लिखी हुई है, आपको ये अच्छी तरह से पढ़नी है और याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकता है अगर इसकी जो इक्वेशन होता है उसे कंप्लीट करना होगा तो आपको ये प्रोडक्ट लिखनी पड़ेगी। तो एक बार ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी लिख देना। तो Fe प्लस O2 प्लस H2 यानी कि आयरन ऑक्सीजन और पानी, पानी जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसके बीच रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है हमें Fe2O3, इसे क्या कहते हैं Fe2O3। उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो H2O मॉइस्चर के फॉर्म में पानी उसमें प्रेजेंट होता है तो Fe2O3 क्या होता है उस जो हमें रस्ट दिखता है वो, ये फॉर्मूला किसका है Fe2O3 रस्ट का है, जो हम रस्ट देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है Fe2O3। ऐसे ही अगर हाँ आप 11th 12th में साइंस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स में पढ़ोगे जाओगे साइंस स्ट्रीम में तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना आएगा, लेकिन अभी तो इतना ही होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करने के बाद MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्सीजन के साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है मेटल का तो ये प्रोसेस बना, ये लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलती है यानी कि मेटल्स में रस्ट मिलती है और मैग्नीशियम के साथ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ओके स्टूडेंट अंडरस्टैंड, ये आपको एक्टिविटी अच्छी तरह से रीड कर लेनी है और आप रस्ट के अंदर रेड लिटमस पेपर को एंटर करवाओगे तो वो बेसिक यानी कि ब्लू हो जाएगा यानी कि वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रस्ट होती है वो एक ऑक्साइड है यानी कि वो एक बेस है। तो जो आप रेड लिटमस पेपर को उससे प्रोसेस करवाओगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट देन हियर सम डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, वो आप सबको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए रीड कर लेना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये एक्टिविटी भी आपको एक बार रीड कर लेनी है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कराऊंगी। देन अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टी, हमारे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट का, इसलिए हम हीट के लिए जो मेला बेकेलाइट जैसी जो प्लास्टिक्स होती है उसका यूज करते हैं हैंडल के लिए या तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी स्विच इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए वहां पे हम प्लास्टिक यूज करते हैं क्योंकि मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी किसे कहते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जो वायर्स में कन्वर्ट होती है, वायर्स होते हैं ना उसमें कन्वर्ट होती है जो भी मेटल्स उसे डक्टिलिटी कहते हैं यानी कि वो ब्रेक डाउन नहीं होती है बट वायर्स होती है, वायर यानी स्ट्रेच हम जिसे कह सके कि स्ट्रेचेबल, तो उसे जितना भी लंबा करो वो हो सकती है, वो ब्रेक डाउन नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। देन फोर्थ वन, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटिंग, यानी कि हम उसे मेटल्स को बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, सोनोरस, यानी कि सोनोरस जो प्रॉपर्टीज है वो ओनली मेटल के अंदर ही दिखाई देती है, वो मेटल के अलावा कोई भी ऐसे मटेरियल्स में नहीं प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि कोई भी मटेरियल्स में सोनोरस नहीं होता है।
क्योंकि उसमें से आवाज नहीं होती है, ओनली मेटल्स में ही आवाज प्रोड्यूस होती है। इसलिए सोनरस किस में आता है, प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की। दे हैव शाइनी सरफेस, यानी कि मेटल्स होती है। ये तो हमने सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, जो मेटल्स होती है वो उसका अपीयरेंस कैसा होता है, लस्टर होता है, यानी कि उसे आप कहीं पे भी कट करते हो तो उसका सरफेस शाइनी ही होगा। और नॉन मेटल्स को आपको कट करते हो तो उसका सरफेस शाइनी इतना नहीं होता जितना मेटल्स का होता है। सिक्स, दे आर हार्ड एक्सपेक्शन सोडियम पोटेशियम एंड लीड। सोडियम पोटेशियम एंड लीड के अलावा कोई भी आप मेटल्स ले लो तो वो सब कैसे फॉर्म में होगी, हार्ड, यानी हार्ड फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। तो सारी नॉन मेटल्स होगी वो कैसी होगी, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट मेलाबिलिटी, देन सेकंड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड डक्टिलिटी, फोर्थ सोनोरस प्रॉपर्टी, देन फिफ्थ लस्टर यानी शाइनी सरफेस, एंड सिक्स्थ हार्डनेस। देन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट नॉन मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल, दे ब्रेक इनटू पीस ऑन हैमरिंग। अगर हम नॉन मेटल को हैमर करते हैं तो वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है। सेकंड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेशन, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, ये आपको याद रखना है। यानी कि कोई भी ऐसे एक्सेप्शन होते हैं ना, जैसे कि हम मर्क्यूरी होता है तो लिक्विड सॉलिड वो सब में होता है, तो जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन वो क्या है, मेटल से। ऐसे ही ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स, और उसे हम जो नॉन मेटल्स होती है उसे थीन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम उसे ना तो उसे हैमरिंग कर सकते हैं ना तो उसे थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर नॉन सोनरस, यानी कि उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है इसलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन सोनरस है। फिफ्थ वन, दे आर सॉफ्ट एंड डल, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और डलनेस उसकी जो उसका लस्टर शाइनी सरफेस नहीं होता है, वो डल थोड़े डल होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में आपको डिटेल में टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर लेना है पूरा चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो डिटेल में थोड़ा बहुत दिया हुआ है और एक्टिविटीज भी दी हुई है, आपको रीड कर लेनी है। जो एक्टिविटी में पॉसिबल होगा तो स्कूल में एक बार फिर से करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव एक्टिविटी, यानी कि आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ आपने सबने फर्स्ट ही पढ़ा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्सियम, मैग्नीशियम, ये सब किस में आते हैं, मेटल्स में आते हैं। ऐसे ही जो द ब्रेक डाउन इन टू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर, दे आर नॉट सोनोरस, यानी कि जो इसके मेटल से ऑपोजिट जो भी प्रॉपर्टीज देखने मिले तो वो मटेरियल्स किस में आता है, नॉन मेटल्स में। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फरस और एक्सेट्रा, ये सारे किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, यानी कि जो मेटल्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, जो हमने भी पढ़ा कि वो हार्डनेस नहीं, वो हार्ड नहीं होती तो उसे हम नाइफ के थ्रू कट भी कर सकते हैं। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दिस आर एक्सप्रेशन। और हमने ये भी पढ़ा कि जो मर्क्यूरी होता है वो रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ओनली यही एक्सप्रेशन है, बाकी सब जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही हमें देखने मिलते हैं। ओके स्टूडेंट,
देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल और नॉन मेटल में कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जो मेटल्स होती है वो तो हम सब आप अच्छी तरह से जानते होंगे, बट आपको पता नहीं होगा जो मेटल्स होती है जैसे कि आयरन होती है वो सब आप उसे बाहर रख दोगे तो वो रस्ट में हो जाते हैं। रस्ट में हम यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है वो उसके अंदर रस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है क्या आप उसे जानते हो कि वो कैसे होता होगा? क्योंकि वो जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन के जाए यानी कि एटमोसफियर में जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करने के बाद वो रस्ट प्रोड्यूस करती है और रस्ट के और जो रस्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और नॉन मेटल्स होती है यानी कि आप वुड को आप रख दोगे बाहर तो उसके अंदर जो भी एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन होगा वो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा और उसके अंदर रस्ट यानी कि काट आप बोलते वो नहीं होगा। इसलिए जो मेटल्स के अंदर काट होता है रस्ट होता है और नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होता है। तो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं। और यहाँ पे उसकी सम इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट आयरन यानी कि Fe ऑक्सीजन O2 प्लस वॉटर तो क्या होगा, ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो इसका फाइनल हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने उसकी सम जो फॉर्म है उसका प्रोडक्ट लिखी हुई है, आपको ये अच्छी तरह से पढ़नी है और याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकता है अगर इसकी जो इक्वेशन होता है उसे कंप्लीट करना होगा तो आपको ये प्रोडक्ट लिखनी पड़ेगी। तो एक बार ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी लिख देना। तो Fe प्लस O2 प्लस H2 यानी कि आयरन ऑक्सीजन और पानी जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसके बीच रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है हमें Fe2O3, इसे क्या कहते हैं Fe2O3, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो H2O मॉइस्चर के फॉर्म में पानी उसमें प्रेजेंट होता है। तो Fe2O3 क्या होता है जो हमें रस्ट दिखता है वो, ये फॉर्मूला किसका है Fe2O3 रस्ट का है, जो हम रस्ट देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है Fe2O3। ऐसे ही अगर हाँ आप 11th 12th में साइंस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स में जाओगे साइंस स्ट्रीम में तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना आएगा, लेकिन अभी तो इतना ही होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करने के बाद MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्सीजन के साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है मेटल का तो ये प्रोसेस बना है, ये लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलती है यानी कि मेटल्स में रस्ट मिलती है और मैग्नीशियम के साथ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ओके स्टूडेंट अंडरस्टैंड, ये आपको एक्टिविटी अच्छी तरह से रीड कर लेनी है और आप रस्ट के अंदर रेड लिटमस पेपर को एंटर करवाओगे तो वो बेसिक यानी कि ब्लू हो जाएगा यानी कि वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रस्ट होती है वो एक ऑक्साइड है यानी कि वो एक बेस है। तो जो आप रेड लिटमस पेपर को उससे प्रोसेस करवाओगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट देन हियर सम डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, वो आप सबको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए रीड कर लेना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये एक्टिविटी भी आपको एक बार रीड कर लेनी है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कराऊंगी। देन अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टी, हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।